हेलो स्टूडेंट, आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे, पतले द्विउत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र बताएंगे। देखिए क्या है, दो पतले उत्तल लेंस रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट मान ली। तो मान लेते हैं हम के दूसरा वाला लेंस नहीं है, तो पहला वाला लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। यहाँ ये इमेज बना दिया उसने, यहाँ आई डैस। अब चूंकि दूसरा वाला लेंस तो है, मान लीजिए दूसरा वाला, भाई पहला वाला हमने ये कंसीडर कर लिया था कि दूसरा नहीं है, तो पहले वाले लेंस ने इस इमेज यहाँ बना दिया। अब दूसरा वाला लेंस तो चूंकि प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट मान के इसका एक नया इमेज बनाएगा जो कि यहाँ बनाएगा। तो ये हो गया आई। तो अब ये दूरी हम कितनी लेंगे, ये दूरी लेंगे हम, इस दूरी को कितना माने, तो पहली वाली दूरी को हमने मान लिया यू। पहली वाली दूरी को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। ये दूरी हमारे हमें हमने क्या मान ली, u। तो ये दूरी u हो गई, और ये दूरी u हो गई, और ये जो इमेज बनी है ये हमने मान ली b डैश, b डैश। और ये वाली जो हमने डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया, इसको हमने कंसीडर कर लिया b के बराबर। इसको हमने कितना कंसीडर कर लिया, b के बराबर। यहां से हमने इसको मान लिया b, ये b। तो एक हो गई u, ये हो गई b डैश, और ये हो गई हमारे पास b। तो सारी डिस्टेंस हमें पता चल गई। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये o हो गई, ये लाइट रे, परावर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। इसमें कौन सा फिनोमेना लगा है फिजिक्स का, तो परावर्तन। आप देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे, इसकी माना पहले लेंस की, तो हमने लिखा माना पहले लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी मान ली, माना पहले लेंस की फोकस दूरी एफ वन है, बा दूसरे लेंस की फोकस दूरी एफ टू है, तब पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए लगाएंगे फार्मूला वन अपॉन एफ वन बराबर वन अपॉन बी डैश माइनस यू। वन अपॉन एफ वन बी डैश, बी डैश मैंने पहला बी डैश पे बनाया, तो वन अपॉन बी डैश माइनस यू, समीकरण नंबर एक हो गई। अब दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए लेंगे तो वन अपॉन एफ टू बराबर क्या लेंगे, वन अपॉन, आप देखिए सबसे पहले आता है वन अपॉन बी, अब क्या आएगा, वन अपॉन बी आता है तो ये बी आ गया, और माइनस आ गया वन अपॉन बी डैश, क्योंकि ये जो दूरी है अब ये यू का काम करेगी, ये जो बी डैश है अब ये यू का काम करेगी, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी दूसरे लेंस के लिए। तो ये हो गया आपका। अब हमने क्या करा, समीकरण एक बार दो को जोड़ दिया, समीकरण वन प्लस टू, तो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू बराबर वन अपॉन एफ वन, ये वाला एफ वन इसमें जोड़ दिया, ये वाली साइड इसमें जोड़ दी, अब ये वाला उतार लिया वन अपॉन बी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी डैश, वन अपॉन बी डैश से वन अपॉन बी डैश कट गया, तो हमारे पास बचा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। अब मान लीजिए ये दोनों लेंस एक ही हैं, माने इन दोनों लेंस को हम एक मान लें अगर, तब ये संयुक्त फोकस दूरी के बराबर हो जाएंगे, तब इनका जो टोटल होगा वन अपॉन एफ होगा, तो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, तो यानी कि हमारा आंसर आया वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। इसको पावर कहते हैं, तो ये पावर, अगर हम इसको, ये पावर का फार्मूला है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अगर और भी लेंस होते
दो से अधिक के लिए, दो से अधिक उत्तल लेंस होने पर, दो से अधिक होते तब क्या होता, तब होता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, या होता 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये दोनों फार्मूले आ गए। अगर दोनों अवतल होते, अगर दोनों दोनों अवतल होते तो यहाँ पर माइनस आ जाता, तो यहाँ पर क्या आता, जहाँ प्लस है वहाँ सब माइनस आ जाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड में कई बार ये, कई बार यूपी बोर्ड में ये पूछा गया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस बार भी हो सकता है ये आ जाए। थैंक यू वेरी मच।